स्वागत है आप सभी लोगों का व्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2013 का जो प्रश्न पत्र आया था उसके उत्तर देखेंगे इसी सीरीज में। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है या रॉस का है? तो आपको बताना ये कथन किसका है। तो ये कथन है वुडवर्थ का है, सीधा सा उत्तर है वुडवर्थ का ये कथन है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो दूसरे का जो सबसे उचित उत्तर हो सकता है वो है छात्रों की प्रगति का आकलन, यानी दूसरे का उत्तर होगा ए। ए ये राइट आंसर है। देखो इसमें आपको निकालना है सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हो सकता है तो वो ए हो सकता है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने प्रति कठोर होंगे, समस्या जीवन शैली, संप्रत्यय वास्तविकता। तो तीसरे का है उत्तर जो सही हो जाएगा वह समस्या, समस्या के प्रति कठोर रहते हैं किशोर या किशोरी। चार नंबर प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के चार चरणों संवेदी पेशीय पूर्व संक्रियात्मक स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक पहचान की गई, हिलगार्ड के द्वारा, स्टार्ट के द्वारा, हरलॉक के द्वारा या पियाजे के द्वारा। तो चार का उत्तर आप सभी लोग देखें, ये इसका उत्तर होगा जीन पियाजे या पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है। पांच नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, दूसरा है आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, चौथा है वास्तविकता की स्वीकृति व स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो देखिए जो पांच का जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उसी है बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित, इसका उत्तर ये हो सकता है। छह नंबर पे आते हैं, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता यानी सीखने की जो क्षमता है वो किससे प्रभावित नहीं होती है, यहाँ पर ध्यान रखना है नहीं पूछा गया है। आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण या राष्ट्रीयता से। तो राष्ट्रीयता से, तो आप किसी भी देश के निवासी हो या कहीं पर भी रहते हो तो इसका अधिगम क्षमता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सातवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर या गुथरी ने? तो सात का जो उत्तर है वो है गुथरी, सात का जो सही उत्तर हो जाएगा वो गुथरी। गुथरी ने एक सिद्धांत भी दिया है जिसको बोलते हैं समीपता का सिद्धांत। आठ नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ शिशु, और शिशु को स्कूल के बस्ता इससे कोई भी लेना देना नहीं है स्कूल बैग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर पर स्वकेंद्रित, ये केंद्रित लिखा हुआ है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और डी है किशोरावस्था में। तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी, 3 से 6 वर्ष तक, ये स्वकेंद्रित अवस्था मानी जाती है। 10 में आते हैं, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो 10 का जो सही उत्तर है वो होगा, हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, इसमें अब अपने साथियों के साथ में बच्चे रहना पसंद करते हैं। 11 नंबर पे आते हैं, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से? तो सीखने का यहाँ पर प्राथमिक मूलभूत, अधिगम का प्राथमिक मूलभूत नियम पूछा गया है तो ये कौन सा होगा? तत्परता, तत्परता का होगा। वैसे 3 नियम होते हैं तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का, लेकिन जो सबसे प्रमुख है इन तीनों में भी वो है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोर अवस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से? तो यहाँ पर 12 का उत्तर देखें, ये संबंधित है किशोरावस्था से या किशोर अवस्था से, एडोलसेंस से। 13 नंबर पे आते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या उपर्युक्त सभी? तो 13 का जो सही उत्तर होगा वो, देखिए सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कौन कौन करता है, अनुकरण भी प्रभावित करता है, प्रशंसा एवं निंदा भी प्रभावित करता है, प्रतियोगिता भी प्रभावित करती है, तो उपर्युक्त सभी, इसमें सही जो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 14 नंबर पे आते हैं, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना और डी है उपर्युक्त सभी? तो जो 14 का उत्तर हो जाएगा वो उपर्युक्त सभी। देखिए कैसे,
बालक के सीखने के प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जा सकता है, ये भी सही है। व्यक्तिकता का आदर, प्रशंसा, पुरस्कार दंड, प्रशंसा भर्सना, तो उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, तो 14 का उत्तर हो जाएगा डी। 15 पे आते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का उपयोग आप नहीं करते हैं। 7, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो 15 का उत्तर करें उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये नहीं करना चाहिए, अत्यधिक प्रशंसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा बालक आत्ममुग्ध हो जाता है, वो निरसिज्म की अवस्था में आ जाता है। 16 में आते हैं, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में से किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या उपर्युक्त सभी। तो जो 16 का जो सबसे उचित आंसर होगा वो होगा धनात्मक। बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मकता होती है, क्योंकि बुद्धि और सृजनात्मकता लगभग ये माना जाता है कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कहीं कहीं पर यह भी मिलता है कि बुद्धि और सृजनशीलता का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अधिकांश ये माना गया है कि इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होता है। 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो यहाँ पे देखिए जो सही उत्तर है वो है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगर शिक्षण कार्य रोचक एवं व्यवहारिक होगा तो अनुशासन अपने आप क्लास में बना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा बच्चों के शैशवावस्था में जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तियात्मक। 19 पे आते हैं, जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। पहला है विशेष आवश्यकता वाले बालकों की बच्चों की पहचान और शिक्षण, दूसरा है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, तीसरा है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 19 का उत्तर करने का प्रयास करें, तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा वो ए है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। 20 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। औसत बुद्धि वाले बच्चों, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को सातवें समायोजन में कठिनाई होती है। कुशाग्र बुद्धि वाले सामान्य बुद्धि या उससे नीचे वाले बच्चों के साथ में समायोजन स्थापित करने में थोड़ा सा अपने को असमर्थ महसूस करते हैं। 21 नंबर देखिएगा, किस शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे किसके रूप में लेना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय की स्पष्टता को पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इसका जो बेस्ट जो ऑप्शन सही हो सकता है वो ए है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाने के रखने के लिए कहना चाहिए, दूसरा है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो जो 22 का सबसे उचित जो इसमें ऑप्शन है वो है सी, कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी जिसके साथ में बच्चा रहता है। ठीक है, चलिए इसमें सही और भी हो सकते हैं लेकिन सबसे सही यही हो सकता है। 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से या परिणाम से है। तो यहाँ से उद्दीपन का प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स से होता है, ध्यान रखिएगा विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। चलिए 24 पे आते हैं, प्याजे मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित, किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं, भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। तो जो 24 का जो सही उत्तर होगा वो ज्ञानात्मक विकास, या इसी को हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। 25 नंबर, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। तो जो 25 का जो उत्तर हो जाएगा वो है बी, यानी सत्य है, ये सत्य है। 26 नंबर पे आते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार
अध्ययन रखना चाहिए, किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। फिर से देख लें, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, ये सही उत्तर हो जाएगा। 27, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो ये इसमें जो सारे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो 27 का जो सही उत्तर होगा वो विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो ये आंतरिक प्रेरणा है, बच्चा अंदर से प्रेरित होगा अच्छे कार्य करने के लिए। 28 नंबर पे आते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका अधिक महत्व है, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का। तो यहाँ पर सबसे उचित जो आंसर है वो है खेल। सामाजिक विकास, ये भी जान लीजिएगा कि बालक का सर्वाधिक सामाजिक विकास वो खेल के मैदान में होता है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। तो ध्यान रखिएगा भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 30 में आते हैं, 2013 के अंतिम प्रश्न पे आते हैं सीडीपी के, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। जो 30 का उत्तर है वो है नैतिक विकास। ध्यान रखिएगा कोहलबर्ग जो है वो नैतिक विकास से संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित है। तो आज सीडीपी का 2013 का इतना पेपर रहा। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र।